सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले गिव अवे और रिव्यू वीडियोस को मिस ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है टीजी रिव्यूज में। आजकल 6GB रैम वाले फोन्स का ट्रेंड चल रहा है। अभी हमने कुछ टाइम पहले ओप्पो F3 प्लस 6GB रैम की अनबॉक्सिंग करी थी और आज हम ओप्पो F5 6GB रैम की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को और नजर डालते हैं इसके फीचर्स पे। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास डिवाइस है। हमारे पास इसका रेड कलर है, वैसे आपको ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। आइए इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म उतारते हैं। इसका रेड कलर देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये डिवाइस 152 ग्राम्स का है और 7.5 mm थिक है। इसके अंदर आपको ऑल मेटल बॉडी मिलती है और बैक साइड में जो इसकी मैट फिनिश आ रही है वो देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रही है। जनरली हमें फोन्स के अंदर सिर्फ ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर कलर देखने को मिलता है। इसका रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही यूनिक लग रहा है। आप इस डिवाइस को इजीली एक हाथ में होल्ड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये काफी हैंडी डिवाइस है और इसकी फिट एंड फिनिश भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। पर्सनली मुझे इसका रेड कलर बहुत ही पसंद आया। आइए डिवाइस की बाकी चीजों पे नजर डालते हैं। ये है इसकी इजेक्शन पिन, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ में ये हमारा बैक कवर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 10 वॉट का चार्जर है। ये है यूएसबी केबल और ये हमारे नॉर्मल ईयरफोन्स। आई जस्ट लव दिस रेड कलर। मुझे ये फोन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा आईफोन रेड टूट गया था और मैं सोच रही थी कि मुझे कोई और रेड कलर का फोन मिल जाए। फाइनली मुझे एक बढ़िया फोन मिल गया क्रिसमस के लिए। जनरली हमें रेड के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन में मिलता है जो कि मुझे इतना बढ़िया नहीं लगता था, लेकिन ब्लैक कलर बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है इसे। ये डिवाइस आपको 24,990 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करें तो ये आपको 23,000 रुपए में मिल जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैंने 60 प्लस अनबॉक्सिंग्स करी है, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें जरूर देखें। तो आइए जल्दी से इसको ऑन करके इसके बाकी फीचर्स पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर 6 इंच की LTPS TFT स्क्रीन मिल रही है जिसके अंदर आपको 18:9 फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है। साथ ही उसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है 402 PPI के साथ और उसके साथ गुरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। देखने में इसकी स्क्रीन बहुत ही ब्राइट लग रही है और इसके कलर्स भी एकदम वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं। ये डिवाइस रन करता है मीडियाटेक ऑक्टोकोर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ जिसके अंदर आपको मेली G71 MP2 के ग्राफिक्स मिलते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको कलर्स OS 3.2 का इंटरफेस मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 7 में। हमारे पास इसका 6GB वाला वेरिएंट है जिसके साथ आपको 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। अगर हम यूजर अवेलेबिलिटी रैम की बात करें तो आपको इसके अंदर 4.34GB रैम और 48.6GB इंटरनल मेमोरी फ्री मिल रही है। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं 256GB तक एक डेडिकेटेड स्लॉट के साथ। आप देख सकते हैं इसके स्पीकर्स काफी लाउड एंड क्लियर साउंड कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ आपको 3200 mAh की बैटरी मिलती है 10 वॉट के चार्जर के साथ, उसके साथ नोटिफिकेशन लाइट और फेशियल लॉक जैसे फीचर। स्क्रीन के ऊपर की साइड हमारे पास ईओपीस है, कुछ सेंसर्स हैं और उसके साथ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसका F2 है। उसके साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे आपकी सेल्फीज काफी नेचुरल और हाई क्वालिटी की आती है। हमने इसकी कुछ सेल्फीज क्लिक करी है जिसमें हम वीडियो के एंड में नजर डालेंगे। स्क्रीन के नीचे की साइड चेन एकदम क्लीन है। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास स्पीकर्स हैं, उसके साथ यूएसबी पोर्ट, उसके साथ माइक और 3.5mm हेडफोन जैक। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है और उसके ऊपर सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड और साथ ही एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 256GB तक का। डिवाइस के ऊपर की साइड हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स है और बैक साइड में हमारे पास ओप्पो की बैजिंग है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके साथ हमारे पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा है LED फ्लैश के साथ। इसके कैमरा में हमें सिमोस इमेजिंग सेंसर मिलता है जिसका F1.8 है। उसके साथ आपको इसके अंदर ऑटोफोकस, बुके इफेक्ट, लो लाइट इमेजिंग, एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO कंट्रोल, HDR मोड, पेनोरमा शॉट, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। आइए इसकी कुछ पिक्स पर नजर डालते हैं।
सो गाइस ये था हमारा Oppo F5 जो कि मेरी ओपिनियन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिवाइस है देखने में और साथ ही ये एक सेल्फी ओरिएंटेड फोन है। देखा जाए तो ये फोन लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इसका रेड कलर। और लड़कों को अगर सेल्फीज क्लिक करने का शौक है तो उनको भी ये फोन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको सेल्फीज क्लिक करने का शौक नहीं है तो ये फोन आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।